तो यहाँ पर आकर मैंने हांगकांग की दूसरी साइड देखी। अभी तक मैं देख रही थी हांगकांग की चकाचौंध, साफ सड़कें, ब्रांडेड शोरूम, नहीं सच में ये फ्ली मार्केट काफी बड़ा है यार, बहुत बड़ा फ्ली मार्केट है। और ये सो दिस वर्क्स फॉर 5 आवर्स? यस 5 आवर्स। ये सब तो अच्छे लग रहे हैं। ले लो। पे मैंने मंगाया मसाला डोसा। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी आफ्टरनून इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1:30 बज चुका है और हम लोग घर पे ही थे, वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, नहा रहे थे और रात में जो है ना रीमा ने एडिटिंग बहुत देर तक करी तो सुनने में मुझे सोई हूँ मैं कल रात। हाँ वैसे भी ना काफी दिन की थकान हो गई है, हम लोग बहुत लंबे ट्रिप पे निकले हुए थे। हाँ। तो ये हमारा काफी सारे दिन अभी स्पेंड हो चुके हैं तो सब कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, कुछ चीजें ऐसी भी रहती है जो मतलब मन नहीं करता कि लगता है कि चलो चिल टाइम है हमारा तो वो होता है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा थकान हो गई है तो लेकिन हमारा ट्रिप जो है बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ। बहुत फैंटास्टिक जा रहा है, इससे ज्यादा बेस्ट नहीं हो सकता हांगकांग और मकाऊ का जो ट्रिप है। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा आज हम लोग ऐसे ही फ्ली मार्केट जाएंगे, एक टेम्पल अगर हो सका टाइम रहा तो वहां जाएंगे, प्लस जो मिड लेवल एस्केलेटर्स हैं वहां पे जाएंगे। अच्छा और मुझे नहीं पता और बस यही हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि आज हम फ्ली मार्केट जाएंगे और घर वालों के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ कर लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि यार मुझे ना मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे सब लोगों के लिए गिफ्ट खरीदना बहुत अच्छा लगता है, अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं अपने नियर टू डियर उन लोगों को देना मुझे अच्छा लगता है। हाँ। ये भी एक अच्छी फीलिंग होती है ना। चलो चलते हैं। तो ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना ये वहाँ का है, ये मुझे कॉर्पोरेट टाइप लगता है कि सारे कॉर्पोरेट के लोग यहीं आते हैं। हाँ। क्योंकि मैंने जितसे भी पूछा ना वो लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट के हिसाब से, कोई अपने बिजनेस ट्रिप से, कोई अपने ऑफिस के ट्रिप से। हाँ। चलिए चले। तो हम लोग अपने फेवरेट स्टेशन जा रहे हैं टाइबोगो, और आज हम वो थोड़ी जाएंगे कहाँ, शिनशाशुई शाम को चलेंगे ना। चलो वो अच्छी लग रही हो तुम्हारा ओ टी डी लग रहा है, मैं तो ऐसी आज मैंने सोचा ऐसे घूमना है आज हम लोग। लाल परी टन के पास वाला स्टेशन है टाइबोगो मॉन्गकॉक। तो डेली हम लोग मेट्रो से ही सफर कर रहे हैं, यहाँ पर उसे MTR बोलते हैं, तो MTR से ही जाते हैं हम लोग। डेली मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैंने उन कमेंट कमेंट्स में से ये जाना कि आप लोग जानना चाहते हो कि हमारा जो ट्रिप है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या पड़ी है और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी। आने के बाद उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगी आप सबके साथ, उसे आप चेक कर लेना। अब हम जाएंगे फ्ली मार्केट, जैसे अपने सरोजी नगर के बाहर एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे खुलती है मेट्रो, ऐसे यहाँ पर भी फ्ली मार्केट है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ का। यहाँ पर इस टाइप की स्लॉट मशीन बहुत सारी लगी हुई है जिसे आप $15-17 ऐसी खेलना है, पता नहीं पॉइंट्स नहीं है होंगे थोड़े बहुत पॉइंट्स के, एक्चुअली हमारे पास पॉइंट्स इसलिए नहीं ना, हम ऑक्टोपस कार्ड यूज कर रहे हैं खेलते। यहीं पर है एक्चुअली आगे चल के वो ये होमलेस पीपल हैं, नहीं सच में यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पे रहने देती है इस तरीके से रहने देती है। ये सब तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ ले लो, लेकिन ये दिस इज स्मॉल साइज, इट विल नॉट कम टू। यहाँ पे कुछ लग रहा है कि हाँ सस्ते में मिल रहा है था। सामने भी है खाना पीना सब कुछ इधर हांगकांग में, ये अच्छा है। व्हाट अबाउट दिस, हाँ या इससे बड़ा हो वो भी ले देख सकते हो। हाँ देख सकते हो।
क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल रही है मेरे को, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए। तो मैंने कुछ ख़रीदा है, अभी दिखाऊंगी घर पहुंच के। इस वो है मॉन्गकॉक का फेमस फ्ली मार्केट, हम वहीं जा रहे हैं लेकिन क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप लोग हांगकांग आ रहे हो ना तो यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि ये यहाँ का फेमस स्ट्रीट मार्केट है जहाँ पर आपको बहुत वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मेरी काफ़ी सारी शॉपिंग शिनशा सुई से ही हो चुकी थी ऑलरेडी, फिर भी मैंने इस मार्केट को एक्सप्लोर किया क्योंकि मैं जानना चाहती थी यहाँ पर और क्या सामान मिल रहे हैं। और ये जो मार्केट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड मार्केट है जिसमें काफ़ी सारी स्ट्रीट को कवर करके ये मार्केट बनाया हुआ है। तो बीच में एक रोड रहती है क्रॉस करने के लिए, देन फिर से मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है ये। तो यहाँ पर ना काफ़ी सुंदर सुंदर बैग्स मिल रहे थे, पर्सेस मिल रहे थे और बहुत कुछ था। कप देखिए, कप के डिज़ाइन कितने प्यारे प्यारे हैं। फिर यहाँ पर ना आपने देखा ही होगा आजकल इंडिया में भी बहुत चल रहे हैं इस टाइप के बैग, इसमें लेकिन जिप भी लगी हुई थी। ये लगभग $30 के अराउंड था। तो इसके अलावा कीरिंग्स वगैरह जो थे वो 15, 20, $25 में मिल रहे थे। तो अगर आप टूरिस्ट हो और अगर हांगकांग आ रहे हो तो पता है हर कोई ये मार्केट एक्सप्लोर करने आता है, क्योंकि मैंने इस मार्केट में बहुत सारे इंडियंस देखे और ज़्यादातर टूरिस्ट ही घूम रहे थे इस मार्केट में। ये फ्ली मार्केट काफ़ी बड़ा है यार, बहुत बड़ा फ्ली मार्केट है। और यहाँ पर ना हर चीज़ बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी मिल रही हैं। ये फैन स्टिकर्स लिए हैं आपने? स्टिकर्स अच्छे हैं इनके पास। एक ये लिए है। Okay. के दे रहे हैं ये वाले लाफिंग बुद्धा, देखते हैं कितने की। यहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है, थोड़ी बहुत चल रही है। और ये भी बहुत प्यारी है हेलो किटी। लास्ट प्राइस फॉर दिस। यहाँ पर ना फ्रिज मैग्नेट बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी और साथ में बैग्स अच्छे मिल रहे थे और की रिंग्स भी बहुत बढ़िया मिल रहे थे। आगे चल के मैंने क्रॉक्स वगैरह भी देखे थे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो क्रॉक्स ब्रांड के थे, वो अपनी ब्रांड होगी उनकी जो भी थी, लेकिन डिज़ाइंस बहुत बढ़िया थे। तो इन चीज़ों के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो मॉन्गकॉक के मार्केट में, और काफ़ी फेमस तो है ही, साथ में वैरायटी भी बढ़िया मिल जाएगी आपको। तुझे कौन सा पसंद आएगा बता? उसे वो वाला पसंद आएगा, ये वाला ना। गाइस ये बहुत बड़ा मार्केट है सच में, और अगर आप कभी हांगकांग आओ तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो बड़े आराम से, चीज़ें अच्छी मिल रही है यहाँ पे। और ये इधर भी है मार्केट, इधर भी है, वाह एक्सटेंडेड है। काफ़ी सुंदर क्यूट डिज़ाइन वाले मोबाइल के कवर, भाई कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन में मिल रहे थे। और फ़ैन, सबसे ज़्यादा तो मैं फ़ैन ही चेक कर रही थी क्योंकि मुझे ना एक्चुअली फ़ैन ख़रीदना था, और मैं इस पर्पज़ से आई भी थी कि मुझे यहाँ पर अगर अच्छा फ़ैन मिल गया ना फेस वाला तो मैं ख़रीदूँगी अपने लिए, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। प्रशांत क्रॉक्स देख लो अपने लिए कितने सही मिल रहे हैं क्वालिटी में। भाई
है, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे को। हाउ मच दिस वन? 69। एक्चुअली मैं एक रोड फिर दूसरी रोड फिर उसके अंदर एक ये पूरा का पूरा फ्ली मार्केट ही है। तो हम लोग ऑलरेडी हमने इतना सारा देख लिया है तो अब हम नहीं देखने के मूड में हैं और हमें जो लेना था वो ले लिया। सब जगह एक ही टाइप का सामान मिल रहा है लगभग। वो कितने भी मार्केट आप कितने भी आप आगे चले जाओ वो बस पेडिस्ट्रियन मार्केट्स हैं सेम टाइप के। लेकिन हाँ ये है कि प्राइसिंग में यहाँ पे जो है ना बार्गेनिंग काफ़ी है, आप कर सकते हैं। जैसे सरोजिनी नगर में चल जाती है। हाँ पैसे ही चल रही है यहाँ पे भी बार्गेनिंग। एग्जैक्टली चलो चलते हैं। टेस्ला कहाँ आएगी इंडिया में? जल्दी आ जाओ इलोन मस्क, बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहे हो। बना लो इंडिया में गाड़ियाँ, फ़ायदा ही होगा तुम्हारा। बहुत लोग खरीदने की कतार में खड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने स्ट्रीट पे इसी टाइप से कर रखा है जो 15-20 में सामान दे रहे हैं। और पता है जैसे ही पुलिस वाले आते हैं ये लोग भाग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ कमेटी वाले आते हैं ना तो सब लोग सारे सामान अंदर करना शुरू कर देते हैं। वैसे टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा चेहरे पे, कुछ पीने के लिए बता देगा 14.5। हम लोग एस्केलेटर्स की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से एक टेंपल जाएंगे और यहाँ पे लोग जो हैं डॉग फ्रेंडली कितने ज़्यादा हैं। कितना क्यूट डॉग है ना ये, और मैं तुम्हें एक और दिखाती हूँ। अरे ये तो वहीं बैठी है, ये तो कैसे आराम से बैठी है। मफ़िन की याद आ रही है मुझे, इसे देख के मफ़िन की याद आ रही है। छूना मत बस। ली क्रोसेट का मिल गया एक शोरूम, और इंडिया में आते हैं बहुत एक्सपेंसिव आते हैं ये इंडिया में, लेकिन वो ली क्रोसेट का नहीं है क्योंकि ली क्रोसेट के बहुत महंगे आते हैं। तुम्हारी टॉप के संग मैच कर रहे हैं, मैं इन्हें लेके भी नहीं जा सकती बहुत हैवी इतना वेट है। हाँ 320। हेलो 260 240 ये भी अच्छा है। हाँ 2400 इसका शोरूम है तो देखते कि क्या कशी बहुत खुश होती। ये शॉप मुझे अचानक से दिखाई दी, लेकिन इस शॉप पर ना बड़े ही प्यारे कपड़े मिल रहे थे। ये एक कोरियन शॉप थी और इसमें ना सारे कोरियन स्टाइल वाले कपड़े थे। इनका जो फैब्रिक था वो तो अच्छा था ही, साथ में जो कलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग थे, और देखा जाए तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे, $150-$200 में मिल रहे थे। यहाँ तो छोड़ दो शॉपिंग, अरे वाह कितनी प्यारी। हांगकांग से कर ली है मैंने ढेर सारी शॉपिंग सबके लिए, और जिसका हॉल वीडियो मैं घर पर आकर शेयर करूंगी तो देखना मत भूलना। बहुत लोगों को मालूम होगा हांगकांग जो है ना थोड़ा माउंटेन एरिया है, ऐसे 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 तो जो बीच का एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों ने ना एस्केलेटर्स लगा रखे हैं स्ट्रीट पे, जो कि मिड लेवल और सेंट्रल लेवल एस्केलेटर्स कहलाते हैं। तो अब हम वहीं पे हैं इस वक्त, और बहुत लंबे लंबे ओपन एस्केलेटर्स हैं तो लोगों को ज़्यादा ताकि चलना ना पड़े, तो वही है आगे चलो चलते हैं। बल्कि लॉन्गेस्ट एस्केलेटर्स हैं, हाँ ऊपर जाने के लिए। हाँ ये देखिए ऊपर नीचे है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे बना रखे हैं इन्होंने। और अगर आप कोई ग्रुप टूर लीजिए तो यहाँ पे जरूर लेके आते हैं वो आपको। ये वो है,
और यहाँ पे जो है ना एस्केलेटर के आपके साइड में, आपके राइट हैंड साइड पे रोकते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड से लोग निकल जाएं। वैष्णो देवी में ऐसा बना दे, बनाने की सोच रहे हैं वैसे, मैंने पढ़ा था कल वैष्णो देवी में एस्केलेटर बनाएंगे जिससे कि चढ़ाई करना आसान हो जाए। हाँ ये देखिए कितना ज़्यादा हम टेढ़े जा रहे हैं, तो इतना चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है पहाड़ों पर, और ये इसने आसान कर दिया। यहाँ पर इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है और इतना, पता है ऐसा नहीं होता जैसे सी एरिया के पास अगर आप रह रहे हो तो चिपचिपापन जो लगता है, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है मुझे आज तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज बारिश नहीं हुई है तो वो चिपचिपापन महसूस हो रहा है। काउंटर लगा हुआ है, हमने भी डिस्काउंट ले लिया है $2 का, बस बस बार बार नहीं आ जाओ। तो शैली स्ट्रीट यहाँ की काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर ना एक दो ऐसी जगह भी थी, मैंने ऐसे स्पॉट्स देखे जहाँ पर टीनेजर्स बड़े पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, तो यहाँ के ना वॉल पे ना काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स और डिज़ाइंस हो रहे थे। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रीट्स होते हैं ना जो कि हर जगह पर, इंस्टाग्राम स्ट्रीट या इंस्टाग्राम स्पॉट्स कह लीजिए, जो कि इसलिए फेमस हो जाते हैं कि लोग वहाँ पिक्चर क्लिक कराना पसंद करते हैं। मैनमो टेम्पल, अब हम इसके अंदर चलेंगे, काफ़ी पुराना लग रहा है। एंट्री कबूतर, ब्राउन कबूतर, ये कौन सा कबूतर? ब्राउन कबूतर मैंने पहली बार देखा है। हम लोगों ने ब्लैक देखा या वाइट देखा? हाँ ये नहीं पता, ये इनके ट्रेडिशन, अरे वो एक्चुअली में अगरबत्तियाँ हैंग कर रखी और उसी के नीचे स्टैंड है, तो उसी पे गिरते रहते हैं। अगरबत्ती की वो होगी वो धूप वो नीचे गिरेगी। हाँ ये बड़ा अच्छा तरीका है ना। हाँ ये मुझे पसंद है, मंदिर में ये बहुत अच्छा तरीका है लगाने का, अच्छी चीज़ है यार। वहाँ से लेके वहाँ तक इट्स शैली स्ट्रीट, और स्टेयर्स उतरने के लिए आना पड़ेगा इसलिए हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन ये पूरे जो कन्वेयर है ना वहाँ तक जाता है, ऐसे 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 वहाँ तक। चलो अब वापस लौटते हैं। कन्वेयर्स है ना सिर्फ ऊपर आने के लिए, नीचे आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा, बट कंपैरेटिवली सीढ़ियों से उतरना इजी है, फटफट उतर जाओगे। असली फ्ली मार्केट 2020 में बेच रहे हैं सारी चीजें, 20 में है। तो यहाँ पर आकर मैंने हांगकांग की दूसरी साइड देखी, अभी तक मैं देख रही थी हांगकांग की चकाचौन, साफ सड़कें, ब्रांडेड शोरूम, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि बहुत सारे लोग इस तरीके से भी यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर ना लेडीज़ बड़े बड़े बैग्स में सामान रख कर लेकर आई थी, जैसे कि कुछ लोग फ्रूट्स बेच रहे थे, कुछ लोग कपड़े बेच रहे थे, और ये सारा काम ना कहाँ हो रहा था, जहाँ मेट्रो स्टेशन है ना उसके पास, और ये लोग ना स्टेयरकेस के पास बैठकर वेट कर रहे थे, जब पुलिस वाले नहीं होते तब वो ये सामान बेचते। रेंटों पर आ गए हम लोग दोबारा, देखो यहाँ पे खाना मिल रहा है आराम से तो हम लोग खा रहे हैं। हाँ जहाँ नहीं मिल रहा था वहाँ कैसे खा लेते? अब लोग कहेंगे वहाँ पे भी है लेकिन हमें नहीं मालूम था, वो बहुत दूर था। हाँ कोटेज स्ट्रिप पे कम है बेसिकली।
पे मैंने मंगाया है मसाला डोसा। बाहर कहीं आपको अपने टेस्ट का खाना मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है ना। सही बात है, लो ट्राई करो। हम लोग डर इसलिए रहे हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा डर लगता है, बाकी जगहों पे स्ट्रीट पे तो नॉन वेज ही मिलता है। तो आप क्या खा रहे हैं? मसाला डोसा। डोसा तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, रबा डोसा मंगाया मैंने। अब हम चाय पी रहे हैं, बहुत अच्छी चाय। आजकल हम लोग खाना खाने के बाद पी लेते हैं चाय, क्योंकि मिल जाती है यहाँ पे पूरे दिन में। हाँ, ये चाय तो मिल जाती है होटल में, कॉफ़ी पी लेते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन चाय नहीं मिलती इतनी अच्छी। हाँ।